कौन कौन थे और कितने जन को थोड़ा बहुत समझा था लास्ट टाइम हाउ टू राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म प्लीज रेज योर हैंड्स ओके रिचा सोनम ओके okay. चलो ठीक है कोई बात नहीं केस अगर आपको लास्ट टाइम नहीं समझा होगा फिर भी आपको वापस से आपको मैं समझा देता हूँ बिकॉज हमने एक ही सम किया था लास्ट टाइम ठीक है नाउ देखो अगर आपको ये सेकेंड नंबर में आपको मॉड्युलस एंड आर्गुमेंट दोनों फाइंड करना है माइनस रूट थ्री प्लस आई ठीक है अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले तो आपको लोकेट करने आना चाहिए एक्स तो एक्सिस होता है फॉर रियल नंबर्स और वाई एक्सिस होता है फॉर इमेजिनरी नंबर्स राइट यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव और यहां पर माइनस वन माइनस टू थ्री फोर फाइव यहां पर आई टू आई थ्री आई सो ऑन और यहाँ पर नीचे क्या होगा माइनस आई माइनस टू आई एंड सो ऑन फाइन ऐसे आपके नंबर्स आते हैं इन दी आर्गेंट प्लेन विच वॉट इज कॉल्ड एज आर्गेंट प्लेन ठीक है नाउ माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री आपके लेफ्ट में आएगा एंड माइनस रूट थ्री प्लस आए तो समवेयर ओवर माइनस अगर ये समझ लो इफ दिस इज योर माइनस इफ दिस इज योर माइनस रूट थ्री और ये आई है तो यहां पर आपका पॉइंट आ गया बराबर सो दिस पॉइंट इज माइनस रूट थ्री प्लस आई अब इसका आपको क्या लिखना है यू हैव टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म अगर मैं यहां पर ये लाइन बनाऊ राइट फ्रॉम दी ओरिजिन अगर ये लाइन बनाऊ सो इसका आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा ये टीटा जो बनेगा यहां पर ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी वॉट इट्स आर्ग्यूमेंट और इसका मॉड्यूलस क्या होता है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है

पहले तो वॉट इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एनी 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 फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर द पोलर फॉर्म इज आर कॉस्टीटा प्लस आई इंटू आर साइन टीटा राइट इफ आई कंपेयर दिस विद द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर वट आई गेट आर कॉस टीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एंड आर साइन टीटा आर साइन टीटा के जहां पर कुछ नहीं है आई इंटू वन ही है तो यहां पर आई कैन से दिस इज इक्वल टू वन कैन आई से दिस हाउ मनी प्लीज रेज योर हैंड्स ओके खुशी मुजम्मिल रिश् दीपाली ओके वेरी गुड फाइन ऑल्सो कीप य मोबाइल इन अ लैंडस्केप मोड मोबाइल को ऐसे रखो तो थोड़ा आपका स्क्रीन बड़ा दिखेगा ठीक है मोबाइल ऐसे रखो लैंडस्केप मोड यू गेट अ बेटर पिक्चर ठीक है नाओ आपको ये मिल गया आर कॉस्टिटा और आर साइन थीटा

यहां पर मैंने क्या किया एडिंग वन एंड टू बराबर दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा R square, R square, R square 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 इन दोनों में मैं ले सकता हूं एंड देन इन ब्रैकेट आई कैन से कॉस स्क्र डीटा प्लस साइंस स्क्वायर डीटा इज इक्वल फोर नाउ यू ऑल नो वट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्टर थीटा प्लस साइन स्क्वायर डीटा दैट इज वन बराबर दन

ये डिस्टेंस अगर रूट थ्री है और ये हाइट जो है वन है तो ये आप बाय पाइथागोरस भी निकालो तो आपको ये ये टू ही आएगा निकाल के देख लो ठीक है ये देखो यहां पर वही वाला ट्राइंगल है सेम थिंग ओके बट यहां पर आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताना है अब इस तरीके से क्यों किया है बिकॉज ये आर का वैल्यू हम यहां पर पुटअप करने वाले है. ठीक है वी वॉट वी है माइनस रूट थ्री Again, let's write the same thing. R cos theta is equals to minus root 3 and r sine theta is equals to tha? 1. Barabar. Now if I put the value of r in this, what I get? 2 cos theta is equals to minus root 3 and 2 sin theta is equals to 1. Barabar. After this, if I say

ठीक है, है बाकी जो होगा होगा। वो negative हो मतलब क्या? यहां पर और ये पढ़ा है ना मैंने आपको यहाँ पर tan cot positive है, और यहां पर positive है, और यहां पर ऑल पॉजिटिव है बराबर अब मुझे बताओ कॉस टीटा का वैल्यू नेगेटिव में गिवन है थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा फोर्थ में तो कॉस्ट पॉजिटिव आता है आई i want cosita कब नेगेटिव आता है सर इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट यस इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये दो क्वाड्रेंट में आपका कॉस्ट का वैल्यू नेगेटिव आता है साइन का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है सर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट परफेक्ट बिकॉज़ ओवर हियर ऑल आर पॉजिटिव और यहां पर sin इज पॉजिटिव समझ में आया पक्का कितने जिनको समझा प्लीज रेज योर हैंड्स ओके 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 फाइन वेरी गुड नाउ इसका मतलब कंफर्म क्या हुआ दे फॉर टीटा लाइज इन दे फॉर टीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एग्जैक्टली इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ये कंफर्म हो गया दैट दैट लाइज इन क्वाड्रेंट अब टीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ये तो हम अगर ये डायग्राम भी बनाएंगे तो भी हमें पता चल गया था कि टीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बट ये डायग्राम हम बनाएंगे नहीं यह आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया यह आप प्लेन पर आप प्लॉट नहीं करोगे plot करोगे तो भी पता चल जाएगा कि ठीक the है? हम नहीं करने वाले हैं, uh, जो भी आप सॉल्व करोगे वहां पर ठीक है लेकिन आपको निकालना कैसे है? इस तरीके से निकालना है कि that is, theta lies in second quadrant. अब second quadrant में confirm हुआ. अब second quadrant में हुआ, आपको मैंने लास्ट टाइम ये बताया दिया था कि अगर सेकेंड क्वार्टर में सेम ट्रिग्नोमेट्री चाहिए तो आपको क्या करना होता है पाई माइनस टीटा सिमिलरली अगर थर्ड क्वार में चाहिए तो आपको पाई प्लस टीटा और अगर फोर्थ क्वार में चाहिए तो पाई माइनस और फोर्थ फर्स्ट में चाहिए तो टू पाई प्लस टीटा प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पर लिखा है ना आई थिंक लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था लिखने को हा ओके okay. नाउ आपका यहां पर टीटा कौन से क्वार में है सेकेंड क्वार बराबर वी विल टेक पाई माइनस टीटा ठीक है तो मेरे पास कॉस टीटा का वैल्यू भले रूट थ्री बाई टू है कॉस ऑफ वॉट इज रूट थ्री बाई टू कॉस ऑफ वॉट इज रूट थ्री बाई टू बाई सिक्स पाई बाई सिक्स कॉस थर्टी बराबर कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाई टू तो ये माइनस एस इट इज लिखा है तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं कॉस फाइव बाई वैल्यू ऑफ बाई रूट थ्री बाई टू ये माइनस मैंने इसका बाहर अलग से लिखा है नो okay. तो yes no? ये ये आपको समझाया गया था लास्ट टाइम व्हाट इज कॉस पाई माइनस टीटा वॉट इज साइन पाई प्लस टीटा ये कितने जन को पता है मुझे बताओ प्लीज रेज योर हैंड्स To get the formula of it, sine pi plus theta, cos pi minus theta, tan pi plus theta. How many of you know it? Please raise your hands. Are, tha last time. Only Richa. That's it. Shreya Yogi. Shreya, you to the last time. आप थे last time. I remember. भूल गए ओके खुशी व्हाट अबाउट यू यू रिमेंबर यस सर ओके टेल मी व्हाट इज कॉस पाई प्लस टीटा व्हाट इज कॉस पाई प्लस टीटा नहीं बेटा या

ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हो गया ना आप लोगों का yeah. सिखाया कि नहीं आपको लो, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री yes, सिखाया है है okay. ओके चलो फिर ठीक ये एक बार फिर से मैं बता देता हूं ये आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है बट स्टिल यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर दैट्स आई एम टीचिंग इट अगेन बिकॉज अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही पड़ेगा अदरवाइज ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो पाएगा ठीक है ये एक बार फिर से बता रहा हूं देखो यहां पर दिस इज द सेकेंड टाइम विच आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइस ओके नाउ अगेन ये जीरो ये पाई बाई टू ये पाए ये थ्री पाई बाई टू और ये टू पाए ऐसे कुछ किया था किया था ओके okay. यहां पर ऑल पॉजिटिव यहां पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव यहां पर कॉस पॉजिटिव नहीं यहां पर टैन पॉजिटिव बताया गया था कि अगर साइन पाए माइनस टीटा अगर साइन पाई माइनस टीटा चाहिए तो साइन पाए माइनस टीटा वी आर कमिंग इन टू द साइन कॉर्डेंट सो साइन पाई माइनस टीटा विल बी हाउ मच

तो यहां पर यहां पर ये यह जो है यहां से साइन पाई प्लस कैन नॉट बी पॉजिटिव द आंसर विल बी नेगेटिव और पाई है मल्टीपल ऑफ पाई द ट्रिग्नोमेट्री विल विल नॉट चेंज फाइन अगेन इफ आई आस्क टेन टू पाए माइनस टीटा

माइनस टेन टेन या माइनस टेन आपने दोनों आंसर दिया है माइनस टेन ओके और दूसरे को पूछता हूं मैं एक मिनट रुको दीपाली पाटिल कैन यू प्लीज आंसर यस सर व्हाट बी द आंसर ऑफ दिस टेन पाई प्लस थीटा आप इस क्वाड्रेंट में आ गए

टैन के कोटेंड में, टैन के कोटेंड में, टैन पॉजिटिव ही होगा, इसका आंसर टैन पॉजिटिव ही आएगा, गॉट इट? इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट, इफ आई से साइन टू पाई माइनस थीटा, व्हाट विल बी द आंसर? यस, खुशी अगेन. यस प्रियांशु मोनू यादव बेटा आप लोगों का वीडियो क्यों बंद है माइनस थीटा बेटा आपको वीडियो क्यों बंद है पूछ रहा हूँ रिचा प्लीज टेल व्हाट विल बी द आंसर माइनस साइन थीटा परफेक्ट बराबर तो द आंसर इज़ माइनस साइन अभी मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितने जन को अभी भी कन्फ्यूजन है नहीं क्लियर हो रहा है ये कैसे आ रहा है माइनस प्लस कितने जन है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आई स्टिल हैव ओके दीप्ति खुशी सॉरी दीपाली खुशी सोनम कुमारी ओके यू स्टिल हैव कन्फ्यूजन नो प्रॉब्लम आप बताओ सो ओनली देन इट विल बी क्लैरिफाईके देखो साइन टू पाई माइनस टीटा अगर आपका टू पाई जो भी है टू पाई पॉजिटिव में है ना तो आप एंटी क्लॉकवाइजे टू पाई और टीटा जो है माइनस में है तो you will come तो यू विल कम एंटी नेगेटिव कौन से में क्वार कॉस के क्वार में यहां पर क्या लिखा है साइन तो आंसर क्या आएगा आंसर आपका माइनस में आएगा इतना कंफर्म ये माइनस लिख दिया और साइन यहां पर टू पाई है मल्टीपल ऑफ पाई और टू पाई और थ्री पाई और वटेवर जब भी आपका पाई के मल्टीपल में है तो ट्रिग्नोमेट्री आपका चेंज नहीं होगा अगेन देखो और एक एग्जाम्पल देता हूँ रेज दिस ये फॉर्मूला समझ लो आप ये फॉर्मूला आपको काफी जगह पे काम आएगा नॉट ओनली इन कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री देर आर मेनी अदर टॉपिक वेर इट विल बी यूज ठीक है ये समझ लो अदरवाइज ये सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे आई थिंक 20 से 25 फार्मूला है अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया है, तो बीस पच्चीस फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है जो मैं यहां पर लिख रहा हूँ दैट इज फॉर्मुला ओनली इन टेक्स बुक इट इज गिवन लाइक अ अफार्मूला ओनली यू हैव टू यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट दे विल नॉट गिव यू द एक्सप्लेनेशन इन इन योर टेक्स बुक सो दट्स वाई एम टेलिंग यू हाउ टू रिमेंबर इट दट वॉट एम टेलिंग यू प्लीज गेट इट अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर करवा के लो ठीक है नाउ अगेन इफ आई से माइनस टीटा देखो कॉस पाई माइनस टीटा ये आपका पाई है यहां पर यहां से यहां तक गए पाई और माइनस टीटा तो ये आप उल्टा हो गए तो कौन से क्वार में आ गए साइन के क्वारंट में अब बताओ खुशी इसका आंसर क्या होगा दीपाली कॉस क्या क्या प्लीज प्लीज रिपीट देखो ये ये जो है चेंज नहीं होगा ये कॉस का कॉस ही रहेगा सिर्फ साइन में चेंजेस होगा जब पाई के मल्टीपल में है जहां पर पाई या टू पाई या थ्री पाई या फोर पाई जो भी है अगर इंटीजर के मल्टीपल में है पाई तो यहां पर सीधा कॉस का कॉस ही आएगा सिर्फ साइन चेंज होगा अब साइन क्या होगा यहां पर पाई माइनस सीट आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए साइन के क्वाड्रेंट में साइन के क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव तो आंसर आपका नेगेटिव Got it? Yeah, chalo puchta tan pi minus theta. Yes, Sonam, please tell Sonam and Sanya Sheikh. Yes. You both can yes, try for answering this. What will be tan pi minus theta? दोनों आंसर दिया दोनों में से तो एक कन्फर्म राइट होगा क्या फायदा इट इज माइनस टैन टीटा बट कैसे कैन यू टेलमी वाई माइनस टैन टीटा बोलो

next i'll give you one more if i say cos pi plus theta chalo batao iska answer i will ask to someone wait uh ya yeah, sonam chalo will try karo, everyone please keep your video on abhishek pandey ayush dipendra singh madhuri ma monu yadav sir cos theta इसका आंसर कॉस थीटा और एक कोई आंसर देना चाहोगे बट नॉट श्योर so. कॉस थीटा कॉस थीटा देखो बेटा अगेन वापस बताता दो कॉस पाई प्लस थीटा है ठीक है तो ये पाई देखो ये पाई आ गया ये पाई हो गया रोटेशन और पाई प्लस थीटा आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए टैन के क्वाड्रेंट में टैन के क्वाड्रेंट में तो बताओ आंसर क्या होगा Tan बेटा थीटा ही होगा माइनस होगा लेकिन ये कॉस का कॉस चेंज नहीं होगा सिर्फ साइन चेंज होगा प्लस या माइनस ठीक है अब देखो आगे इफ आई से टेन टू पाई प्लस टीटा इसका आंसर तो tan टीटा ही आएगा बस इतना कंफर्म करना है कि प्लस या माइनस अब मुझे बताओ क्या आएगा प्लस की माइनस तो माइनस क्यों माइनस क्यों क्यों बेटा क्यों आएगा माइनस देखो टू पाई मतलब कितना हुआ यहां तक पाई यहां तक टू पाई और टू पाई प्लस टीटा मतलब आप इधर आ गए इसमें क्या पॉजिटिव है सब और... कुछ सब कुछ पॉजिटिव है everything is positive in it. so answer kyaega. kushi gupta, positive. exactly. clear hai? this tan theta will be positive. now again, if i say tan 2 pi minus theta, please understand this. otherwise, it will be very complicated. understand this over here only. what is tan 2 pi minus theta? plus tan theta. बेटा देखो ना यहाँ पर ये टू पाई आ गया माइनस है तो पीछे आओगे ये किसका क्वाड्रेंट है कॉस का क्वाड्रेंट का। का है तो यहां पर आंसर तो टैन टीटा आएगा लेकिन इसका प्लस या माइनस आएगा माइनस आएगा बस माइनस। कितने जन को अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा मतलब फिफ्टी परसेंट समझ में आ गया नहीं रिचा यू ऑलरेडी नो इट अभी कितने जन को समझ में आया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है दीपाली पाटिल ओके एंड सोनम कुमारी प्रियांशु ओके और चलो ठीक है आई ट्राई टू आस्क अगेन ट्राई टू आंसर देम ये बहुत सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाते हैं अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है लेट मी रेज एन एल सम मोर इफ आई से टेन पाई माइनस थीटा अब बताओ क्या आएगा सानिया शेख बताइए हाँ दीपाली बताइए परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट इफ आई से कॉस टू पाई माइनस थीटा यस दीपाली प्लीज टेल माइनस कॉस थीटा टू पाई यहां पर आ गया माइनस थीटा यहाँ पर आ गया कौन से कॉर्डेट में आ गए uh, बताओ आंसर क्या होगा टू इट यस अगेन इफ आई से साइन पाई प्लस थीटा बी द आंसर साइन थीटा

और हमें बोला है प्लस से मतलब हम डाउन साइड आएंगे यानी टैन टैन वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड इसीलिए आपका आंसर नेगेटिव होगा बराबर वेरी गुड बस यही समझना है आपको ठीक है द आंसर इज माइनस साइन थीटा ठीक है नेक्स्ट अगेन आई विल आस्क यू वन मोर कॉस पाई प्लस थीटा चलो बताइए सानिया so, माइनस कॉस थीटा परफेक्ट वेरी गुड अब ये क्लियर हो रहा है ओके इफ आई से सेक पाई प्लस थीटा देन अब ये नया आ गया आपको बताया कि अगर ये यहां पर साइन है तो इसके यहां पर कोसेक भी है समझ लो टैन है तो यहां पर कॉट भी है और कॉस है तो यहां पर सेक भी है ये क्यों है बिकॉज ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ठीक है साइन टीटा इक्वल्स वन अपॉन कोसेक टीटा टैन इक्वल्स वन अपॉन कॉट

The answer for this cosec two pi minus theta. What will be the answer? Um, minus cosec theta. Perfect. Similarly, answer for this also cosec two pi plus theta. minus cosec. answer? Positive. क्लियर huh? और एक सोनम यू विल टेल, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा परफेक्ट क्लियर है ठीक है क्लियर है ना हाँ बस यही आपको क्लियर होना चाहिए ये कैसे आता है ठीक है सिमिलरली अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा क्या आएगा अगेन आपका वही कॉर्डन ए एस टी सी कॉस्ट पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा यस और नो माइनस कॉस थीटा आएगा तो माइनस कॉस पाई बाई सिक्स को क्या मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स बायिंग दिस एव रिटन दिस समझा

राइट right? तो साइन पाई माइनस बताओ क्या होगा अभी सो so, नाम बताओ वॉट इज साइन पाई माइनस टीटा माइनस साइन टीटा बेटा यार क्या फायदा सिखा के साइन पाई साइन साइन ये है ना साइन है ना यहाँ पर ठीक yes, है थोड़ा सोच के जवाब दो थोड़ा लेट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आंसर सही दो ठीक है इट विल बी साइन टीटाइन टीटा की जगह पर मैं साइन पाई माइनस टीटा भी लिख सकता हूं सो सो कैन आई राइट पाई पाई माइनस दिस विल बी इक्वल टू साइन सिक्स पाई माइनस पाई पाई पाए पाइव दोनों जगह पे आपको टीटा सेम आया तो so, इसका मतलब आपका आपका आर्ग्यूमेंट राइट right है राइट देयरफॉर योर मॉड्यूलस इक्वल्स कितना आया था आपको टू एंड आर्ग्यूमेंट जो हमने निकाला यहां पर आर्ग्यूमेंट मतलब वही जो एंगल दैट इज फाइव मतलब यहां पर जो हमने ये डायग्राम बनाया था ना इसमें ये जो एंगल है दिस एंगल इज फाइव पाई बाई सिक्स मतलब एक्चुअली कितना होता है फाइव इंटू वन एटी बाई सिक्स सिक्स थ्री और ये आंसर हो गया वन फिफ्टी मतलब ये कितना डिग्री है वन फिफ्टी डिग्री है गॉटेट मतलब वन फिफ्टी डिग्री को हम इन रेडियंस फाइव फाइव बाई सिक्स बोलेंगे गॉटेट समझा नाओ इसी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर था माइनस रूट थ्री प्लस आई इसे अगर आपको पोलर फॉर्म में लिखना है देफो द पोलार फॉर्म फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस Is, क्या था नंबर क्या था आपका माइनस रूट थ्री प्लस आई माइनस रूट थ्री प्लस आई आर आई इंटू आर साइन टीटा बराबर तो इसी का वैल्यू आर का जो भी वैल्यू है टू टू कॉस टीटा टीटा कितना प्लस आई इंटू और यू कैन से टू आई इंटू साइन फाइव तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ है अगर आपको माइनस रूट थ्री प्लस आई है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पोलर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है क्लियर है कितने जन को समझा एटलीस्ट एटी परसेंट भी समझा है तो प्लीज हैंड ओके श्रेया Riyanshu, sir I'm, a bit, uh, sir, I'm a bit confused in polar form. Kya, kya, what is your confusion? Please ask. Sir means that we have to apply that formula and then put put the values there. Yes, because see, we are, the polar form of any complex number is this.

So what we have done, r cos theta equals minus root 3, we have kept this 2 in this and kept cos theta equals minus root 3 by 2. We got these two values. After yeah. that, we have solved using trigonometry what is the value of theta. We got the value of theta is 5 pi by 6. So ultimately we can say that the given complex number in the polar form is r cos theta plus i into r sin theta. So in place of r you will write 2 and in place of theta you will write 5 pi by 6. Okay, sir. Got it. Got it? Yes, sir. Okay. चलो नाउ ओवर हियर आल्सो कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म सारे सेम है व्हाट सिर्फ आपको नंबर्स गिवन है यू हैव टू कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म यू टेल मी व्हिच क्वेश्चन यू वांट टू डू थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एथ एनी वन वी कैन डू एनी वन सर सेवंथ वी हैव डन ऑलरेडी जस्ट देयर इज ओनली चेंज द साइन माइनर डिफरेंस बट द थीटा विल नॉट बी सेम द थीटा विल बी डिफरेंट डिफरेंट या कौन सा करूं चलो लेट लेट मी डू देखो यहां पर अगर इसे अगर मुझे पोलार फॉर्म में लिखना है ना मुझे अगर आंसर डायरेक्टली निकालना है विदाउट एनी सॉल्विंग पार्ट दैट आल्सो आई कैन डू अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन सारे क्वेश्चन में नहीं आएगा ठीक है इफ यू हैव टू गिव आंसर इन एमसीक्यू तो एमसीक्यू में तो इजीली दे सकते हो ठीक है पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कैसे होगा अब सीधा आर्गेंट प्लेन बनाओ सीधा आप क्या बनाओ आर्गेंट प्लेन बनाओ अब आर्गेंट प्लेन में माइनस वन माइनस कहां पर प्लॉट होगा यहां पर माइनस वन और यहां पर माइनस तो प्लॉट यहां पर होगा बराबर दिस इज वॉट माइनस वन माइनस आई यहां पर प्लॉट हो गया यहां पर ये जो है आपका मॉड्यूल दिस इज विल बी योर आर है एंड योर टीटा योर आर्ग्यूमेंट बी दिस एंगल गॉट इट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस अब मुझे आप खुद ही बताओ कि अगर ये वन है इफ आई से दिस डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस इज वन एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो वन टेल मी वॉट विल बी दिस एंगल एग्जैक्टली कितना होगा 45 डिग्री और ये 45 फाइव प्लस दिस वन एटी इज हाउ मच हाउ मच इट इजी फाइव टू वन फाइव नहीं टू वन फाइव नहीं वन एटी प्लस फोर्टी फाइव ना टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ये टू ट्वेंटी फाइव डिग्री इसका आर्गुमेंट होगा कंफर्म विदाउट सॉल्विंग आई कैन से अगर आपके एमसीक्यू में है आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हो माई आर्ग्यूमेंट विल बी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री या फिर अगर इन टर्म्स ऑफ पाई होगा तो ये हो गया आपका पाई बाई फोर प्लस ये टोटल एंगल कितना है पाई तो पाई प्लस पाई बाई फोर करो वही आपका आर्ग्यूमेंट आएगा दैट इज फाइव पाई बाय फोर इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा फाइव पाई बाय फोर और मॉड्यूलस क्या आएगा आप समझ लो अगर ये आपका ट्राइंगल ही है समझ लो नॉर्मल ट्राइंगल है पाइथागोरस लगा के आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो क्या होगा Under root exactly. तो इसका मॉड्यूल क्या होगा रूट टू और आर्ग्यूमेंट होगा फाइव फाइव बाई फोर यह आपको मैंने डायरेक्ट मेथड बताया ठीक है ये मेथड से आपको करना नहीं है ठीक है अभी एमसी क्यू है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ठीक है लेकिन हाँ बोलिए रूट टू कैसे आया देखो बेटा ये ये माइनस वन और ये भी माइनस आई है ना बराबर अगर ये ट्राइंगल का अगर मैं जो डिस्टेंस चाहिए अगर मैं ट्राइंगल साइड में लेता हूं ये डिस्टेंस कितना है मेरा वन और ये डिस्टेंस कितना है वन पाइथागोरस लगाओ आंसर आ जाएगा रूट टू दिस इज राइट एंगल नो गॉट इट तो हो गया इसका मॉड्युलट टू और आर्ग्यूमेंट फाइव बाई फोर लेकिन आपको ये मेथड से अगर आपको एमसीक्यू है तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर निकाल के लिख सकते हो ठीक है बट इफ यू टू राइट द स्टेप्स प्रॉपर स्टेप्स जो कि आपके स्टेपी में गिवन है सो गिवेट इज दैट स्टेप फर्स्ट वॉट यू हैव टू डू आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज माइनस वन माइनस आई ठीक है वॉट विल डू फर्स्ट यू विल कंपेयर विट विद जनरल जनरल पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वॉट इज अ जनरल पोलर फॉर्म दैट इज आर कॉस्टिटा प्लस आई इंटू आर साइन टीटा ठीक है तो आपका इसमें आर कॉस क्या आ जाएगा माइनस वन एंड आर साइन टीटा क्या आ जाएगा सॉरी आर साइन टीटा भी माइनस वन बराबर ये समझा हाँ? आर कॉस कॉस्टिटा एंड आर साइन टीटा दोनों क्या हो जाएगा माइनस वन इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ ऑफ दर स्क्वायर कॉसक्टा क्वल टीटा इज इक्वल्स टू वन उसके बाद अगर दोनों इक्वेशन को अगर मैंने एड कर दिया तो आर स्क्वायर कॉ स्क्टीटा प्लस आर स्क्वासा इज इक्वल्स टू वन प्लस वन ये सोनो समझ में आ रहा है सोनो हम समझ में आ रहे हैं कि नींद आ रहा है आपको नींद भी आ रहा है नहीं नहीं आपकी आंखें बहुत ऐसे ऐसे झपक रही है इसलिए बोल रहा हूं मैं आंखों में ना जलन हो रही है इसलिए वो वैसा अच्छा हो रहा अच्छा, है अच्छा 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 ठीक है ठीक है कोई बात नहीं ओके नाउ दिस इज आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू टू बराबर नो सर वन अरे कैसे वन वन प्लस वन सर सॉरी सॉरी सर एडिशन ओके नाउ कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इज वन सो आर स्क्वायर इज तो आर equal टू प्लस और माइनस रूट टू लेकिन सिर्फ प्लस रूट टू distance यही मिला है आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से वही मिलेगा आपको ठीक है अब अगर आपको एमसीक्यू वे में अगर आपको आंसर नहीं लिखना होता तो आपको ये सारे स्टेप लिखने होते हैं, ठीक है अभी एमसीक्यू है इसीलिए आपको ये सब स्टेप्स लिखने नहीं है बट यू शुड नो द स्टेप्स बिकॉज आपको कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग भी पता होना चाहिए ना आर कॉस टीटा क्या है आपका यहां पर माइनस वन एंड आर साइन टीटा इक्वल्स वॉट वो भी माइनस वन आर का वैल्यू इसमें पुटअप करो रूट टू कॉस टीटा इक्वल्स माइनस वन

खुशी फोर्थ क्वार बेटा फोर्थ क्वार में कॉस तो पॉजिटिव है कॉस आपका नेगेटिव कौन कौन से क्वार में है या मुजम्मिल यू प्लीज आंसर एस एन टी एस एन टी नहीं क्वार नंबर सेकेंड एंड थर्ड ठीक है सेकेंड एंड थर्ड है ये

फर्स्ट एंड फोर्थ फर्स्ट में बेटा सारी चीज पॉजिटिव है कौन से दो क्वार में साइन आपका नेगेटिव है श्रेया या? या एग्जैक्टली थर्ड एंड फोर्थ सो थर्ड क्वार एंड फोर्थ क्वार साइन इज नेगेटिव दैट मीन योर टीटा लाइज इन थर्ड क्वार राइट देफो टीटा लाइज इन थर्ड ये आपको शॉर्टकट मेथड में से भी देख लो आपका थर्ड में ही है ना ये राइट आपको थर्ड में ही आया था जस्ट जस्ट यू नीड टू प्लॉट इट मिल जाएगा आपको ठीक है नाउ टीटा लाइज इन थर्ड अब थर्ड क्वार के हिसाब से आपका ट्रिक्नोमेट्री में क्या आपको मैंने बताया था जो आपको लिखने बोला था दिस इज पाई प्लस पाई प्लस थीटा बराबर ये आपको लिखने ये आपको पता होना चाहिए

हाँ बोलो श्रेय आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है काम करो आप माइक नजदीक लेके बोलो या यू कैन टेक इन द सेकंड कॉर्ड्रेंट ऑल्सो बट टीटा लाइज इन विच कॉर्डरेंट इसलिए हम थर्ड क्वार का ही कंसिडर करेंगे ठीक है आपका थर्ड में pi plus theta करते हैं ना हम लोग सो कॉस माइनस कॉस्टीटा के हिसाब से cos पाई प्लस पाई बाई फोर सो दिस विल गिव यू कॉस फाइव पाई बाई फोर सिमिलरली आपका साइन टीटा का वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉइंट रूट टू साइन ठीटा इक्वल्स माइनस अगेन साइन पाई प्लस टीटा इज हाउ मच देस साइन ठीटा तो माइनस साइन थीटा को दिस इज फर्स्ट माइनस साइन पाई बाई फोर एंड माइनस साइन पाई बाय फोर कैन बी रिटर्न आया साइन पाई प्लस पाई बाय फोर फाइन विच गिव यू दोनों में आपका आर्ग्यूमेंट सेम आया इसका मतलब आपका आंसर राइट right है बराबर सो दैट्स इट सो योर रेडियो मॉड्यूलस मॉड्यूलस आपको कितना मिला था आर का वैल्यू दैट इज रूट टू योर मॉड्यूलस इज रूट टू एंड योर आर्ग्यूमेंट टीटा इज मच फाइव आई बाई फोर क्लियर है बाई यूजिंग दी टेक्सट बुक मेथड एज वेल एज द शॉर्टकट मेथड बोथ आर क्लियर अच्छा और एक चीज यहां पर अगर आपके एमसीक्यू में फाइव पाई बाई फोर नहीं है और वहां पर है उन्होंने बोला है कि आर्ग्यूमेंट जो है माइनस थ्री पाई बाई फोर अगर उन्होंने एमसीक्यू में गिवन है तो क्या आप करोगे और फाइव पा 4 उसमें है ही नहीं जो आपको मिला है तो ये माइनस थ्री पाई बाय फोर हम टिक कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अब वो कैसे वो ऐसे कि अगर आपका आर्गुमेंट इस जगह से अगर फाइव पाई बाय फोर है तो आप इस साइड से भी आप आर्गुमेंट बता सकते हो लेकिन वेनेवर द्लॉक वाइज मेंशन इन नेगेटिव यू मेंशन इट इन नेगेटिव, सो दैट इज़ पर यहां से यहां तक कितना है पाई बाई टू? और यहां से यहां तक ये कितना थ्री पाई, तो पाई, so, पाई, 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 पाई बाई फोर मिलेगा तो यहां से अगर आपने माइनस थ्री पाई बाय फोर लिखा तो भी आपका आर्ग्यूमेंट राइट है ठीक है आपको आर्ग्यूमेंट फाइव आई बाई फोर भी लिख सकते हो एंड आर्ग्यूमेंट यू कैन ऑल्सो राइट एस माइनस थ्री बाई फोर बोथ आंसर इन दोलार फॉर्म आपका में लिखना है पोलर फॉर्म ऑफ रूट टू कॉस फाइव फाइव बाई फोर प्लस रूट टू आई साइन फाइव बाई फोर ये भी आंसर सही है और दूसरा आंसर जो मैं आपको बता रहा हूं रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाय फोर प्लस रूट टू आई साइन माइनस थ्री पाई बाय फोर दोनों आंसर राइट है समझ में आ रहा है इनकेस आपके एमसीक्यू में ये होगा और ऊपर वाला नहीं होगा और एक में फाइव बाई फोर फाइव पाई बाई फोर है दूसरे में कुछ और लिखा है तो आप क्या करोगे चलो एक तो फाइव पाई बाय फोर लिखा है तो यही हम टिक कर देते हैं कर सकते हो ना इसे आर यू गेटिंग इट एक में अगर फाइव फाइव बाई फोर है और दूसरे में कुछ और लिखा है तो आपको शायद समझ में आएगा शायद कुछ होगा गलत हुआ होगा आप वही टिक कर दोगे ऐसे कुछ नहीं है यू हाउ यू कीप इट इन माइंड माइनस थ्री फाइव बाई फोर भी आप दोनों को लिख सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट सम यू गाइज विल डू आई वॉन्ट यू गाइज टू डू वॉट इज द मॉड्युलस एंड आर्ग्यूमेंट फॉर दिस क्वेश्चन चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट एट में क्या लिखा है सिर्फ आई लिखा है क्या लिखा है सिर्फ आई एंड वॉट द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अब देखो अगर इसे प्लॉट करेंगे तो तुरंत आ जाएगा आंसर अब आर्गेंट प्लेन में अगर हम प्लॉट करेंगे विल इमीजिएटली गेट द आंसर आई कहां पर होगा यहां पर और एक्स का सॉरी आई यहां पर ऊपर होगा राइट रियल नंबर पे कुछ है नहीं सो दिस इज दी आई तो अगर आपका ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इफ दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है इसका एंगल क्या है पाई बाय टू बराबर मॉड्यूलस mod क्या है मॉड्यूलस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस वो कितना है वो भी वन सो so इसका मॉड्यूलस कितना आएगा इज वन एंड आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय टू क्लियर बहुत ही ईजी है शॉर्टकट मेथड हम्म, लेकिन ये आपको इस तरीके से नहीं आपको विथ स्टेप्स अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट आई विल डू ये आपका जो भी है कंपेयरिंग विथ आर कॉस टीटा प्लस आई इन आर साइन टीटा राइट आर कॉस्टिटा विल बी इक्वल टू जीरो एंड आर साइन टीटा विल बी इक्वल टू वन जीरो क्यों? बिकॉज यहां पर रियल रियल में कुछ भी नहीं है बराबर नाउ, अगर दोनों को स्क्वायर कर दे तो इज़ आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू जीरो एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन अगेन इफ आई एड बोथ द इक्वेशन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू जीरो प्लस वन विच गिव यू आर स्क्वे इंटू प्लस साइन स्क्टा विल बी इक्वल टू वन अगेन एंड देर द वैल्यू ऑफ आर वन यही मिला है आपको या द वन ओनली अगेन फॉर फाइंडिंग द आर्ग्यूमेंट पहले आर कॉस कॉसिटा क्या है इज जीरो एंड आर साइन टीटा क्या है वन r का वैल्यू इसमें पुट अप कर दो r का वैल्यू अगर हम पुट अप करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा जीरो एंड साइन थीटा का वैल्यू वन बराबर अब इस हिसाब से अब दोनों पॉजिटिव है तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ऑल आर पॉजिटिव ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जैक्ट फाइन फर्स्ट ऑर्डर में है तो कुछ भी आपको टू पाइव टू पाई माइनस टू पाई प्लस कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है कॉस ऑफ वॉट इज जीरो बाय टू एंड साइन ऑफ वॉट इज वन साइन पाई बाई टू बराबर देफोट फाइव बाई टू मिला सेम चीज हमने इसमें भी किया है ये एकदम शॉर्टकट में आपको मिल जाता है दोनों मेथड क्लियर है आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए क्यों? क्योंकि एमसीक्यू है दिस टाइम यू हैव एमसीक्यू नो दैट्स व्हाई? सर शॉर्टकट कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन शॉर्टकट मेथड दिस वन यू जस्ट नीड टू प्लॉट इट यू द पॉइंट I know students are more interested in the shortcut method. In case long cut नहीं भी समझा तो shortcut आप समझा दो ठीक है यहाँ पर देखो this is वन this is टू this is थ्री ऐसे। यहाँ पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहाँ पर i, टू आई थ्री आई एंड दिस इज माइनस आई माइनस टू आए एंड माइनस थ्री आए ये आपका आर्गेंट प्लेन है एक्स वाई एक्सिस कैसे बनाते थे वैसे ही अगर यहाँ पर सिर्फ आई है मतलब क्या है सिर्फ वाई का वैल्यू आपको गिवन कहां पर आता है, यहां पर आता I है yeah. बस यही पर है पॉइंट आपका तो पॉइंट आपका यहां पर है तो इसका आर्ग्यूमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज वन आर्ग्यूमेंट इज फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्सएक्सिस कितना है फाइव बाई टू हो गया क्लियर ओके ओकेर वी आर डन विदरसाइज फाइव पॉइंट टू नाउ विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज अब नेक्स्ट है आपका क्व्राटिक इक्वेशन ठीक है क्व्राटिक इक्वेशन आपने क्लास टेंथ में तो किया होगा

x x इज इक्व टू थ्री ये सबको पता है किसी को नहीं पता है ये भी चीज कोई किसी को नहीं पता है बता दो पता है ना सबको नहीं पता है कोई नहीं है ना पता है सर पता है ना ओके चलो सबने टेंथ में एग्जाम करके लेवल पे आया है पता है एग्जाम नहीं बिना देखे आए हो ना आप लोग इसीलिए पूछ लेना पड़ रहा है नेक्स्ट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है अगर अगर ऐसे अभी क्वेश्चन इसका आप सम एंड फाइंड करो दैट इज रिक्वायर्ड इज माइनस सेवन एंड सिक्स शायद ये मिल भी जाएगा माइनस एट रखो ठीक है माइनस एट एक्स प्लस सिक्स इसका सम और प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड करने बोले तो आप नहीं नहीं निकल पाएगा ऐसे इक्वेशन में सम कैसे निकालते एनी वन नोज इट एग्जैक्टली वो फॉर्मूला क्या है कैन यू प्लीज टेल माइनस बी प्लस माइनस बी परफेक्ट चलो एक दो जन को तो याद है वेरी गुड ठीक है दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ अ कोड्रैटिक इक्वेशन इफ यू आरबल टू डू द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गि ठीक है अगर हम डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं फाइंड कर पा रहे तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ अ कोड्रैटिक इक्वेशन ओके बस यही करना है आपको अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में ठीक है अब देखो यहां पर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पेस्ट करता हूं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद इट नाउ दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस मतलब क्या है रूट ही फाइंड करना है आपको ठीक है पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी क्या गिवन है एक्सक्वायर प्लस थ्री इजी क्वेश्चन जीरो अभी इसमें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कैसे X square plus 3 is equals to 0, ना तो यस और नो अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री क्या होता है ये तो पता नहीं सो थ्री आई थ्री इंटू माइनस वन या Which will be plus minus root 3 into root of minus 1 and root of minus 1 is i. This will be plus minus root 3 i. So the roots of this quadratic equation is what plus minus root 3 i. Clear eh? Yes, sir. Huh? Okay. Next. Second sum. Kya hai given 2x square. प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इसे सॉल्व करने के लिए हम सम एंड प्रोडक्ट अगर हम करेंगे द सम रिक्वायर्ड इज वन एंड द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज टू कोई है नंबर जहां पर प्रोडक्ट आपको टू मिल जाए और सम आपको वन मिल जाए टू और माइनस वन है ना यस और नो यस हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस this can be the number or yes, not yes sir yes okay shreya yogi please confirm this can be the number yes, sir. yes or no no sir. no why no sir it is minus 2 exactly minus the product will be minus 2 2 into minus 1 is minus 2 the product required is तो ये दो नंबर ले सकते हैं क्या no, नहीं सो इज देर एनी अदर नंबर डू यू हैव एनी अदर नंबर नहीं है राइट टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट वी नीड नाउ वी नीड द फॉर्मूला ओके नाउ अगेन विल वॉट वी विल डू फर्स्ट वी विल कंपेयर विथ कंपेयरिंग विथ कोई भी अगर आप आप गलत आंसर दे रहे हो इट इज कंप्लीटली फाइन आई एम ट्राइंग दैट यू शुड गिव दी रॉन्ग आंसर सो दैट यू शुड रियलाइज वेयर यू विल डू द मिस्टेक ठीक है अगर आप गलत आंसर दे रहे हो तो कोई टेंशन मत लो इट्स कंप्लीटली फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है यू आर लर्निंग राइट नाउ सो यू इट्स योर आपका हक है रॉन्ग आंसर देना अभी वेन यू आर लर्निंग ठीक है सो इवन इफ यू आर गिविंग अ रॉन्ग आंसर देर इज नो पॉइंट कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें

टू फाइंड द रूट ऑफ कट्राटिक इक्वेशन ये हमारे पास फॉर्मूला है तो यही आप पुटअप कर लो टू फाइंड द रूट माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए बराबर दिस विल बी माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस एट अपॉन फोर क्या आ जाएगा रूट सेवन आयोटा और आई अपॉन फोर सो दिस आर द टू रूट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज एक्स इक्वल्स माइनस वन प्लस रूट सेवन आई बाई फोर ये एक रूट एंड एक्स इक्वल्स माइनस वन माइनस रूट सेवन आई अपॉन फोर ये आपके दो रूट्स हो गए क्लियर yes, कितने जन को सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड्स और टाइप यस इन द चैट बॉक्स ओके श्रेया दैट्स इट खुशी आपको क्लियर है प्लीज टाइप यस और रेज योर हैंड्स इन द चैट या ओके सानिया प्रियांशु ओके दीपाली पाटल सोनम मोनू यादव खुशी गुप्ता ओके चलो वेरी गुड फाइन अब अगला क्वेश्चन आप करोगे द सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला या प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ दिस वन देखो यहां पर जिनको नहीं मिला उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं ठीक है Urmila, yeah, your answer is right. Okay, If I compare this with a normal general equation of a quadratic equation, what I have that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So what I get the value of a is root 2, the value of b is 1 and the value of c is root 2 again. Fine. Now if I want to find the roots over here, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac. Upon 2a. Right? Now minus of b that is minus 1 plus minus under root of b square. That is 1 square. Minus 4 into a is root 2 and c is also root 2. Upon 2 into a a the value of a is root 2. Fine, this is equal to minus 1 plus minus under root of 1 minus root 2 into root 2 is 2, 2 into 4 is 8. Upon 2 root 2. 1 minus 8 is minus 7. Finally, it will be minus 1 plus minus under root of 7i upon 2 root 2. This will be your answer for the roots. Clear? Yeah? Okay. Sure. Next. So, similarly, you can find the other roots also. Okay? I want you guys to solve one more question from this. That is the 10th one.

I to the power 18 is i to the power 4 into 4 plus 2 plus 1 upon i to the power 25. 25 4 divide kiya to 4, 6 are 24 and the 1 is remainder. So that is i to the power 4 into 6 plus 1. And this this bracket and there is a cube over here. This equals i to the power 4 into 4, i to the power 4, the whole power 4 into i to the power 2. +1 upon i to the power 4 the whole power 6 into i the whole power 3 find this equals i to the power 4 is 1 1 to the power 4 is also 1 i square is -1 1. plus 1 upon i the whole power 3 this equals 1 upon i minus 1 the whole power 3 now to solve this what we will do first we will do the cross multiplication

minus i cube right which gives you 1 minus 3i i square is minus 1 so this will be minus 3 minus and i cube is minus i upon minus i this gives you 1 minus 3 is minus 2 minus 3i plus i is how much minus 2i upon minus i यहां पर आप माइनस कॉमन ले सकते हो माइनस टू कॉमन ले सकते हो। होल डिवाइडेड बाय माइनस कैंसिल टू इंटू वन प्लस आई अपॉन आई वॉट वी कैन डू आई कैन मल्टीप्लाई विथ आई इन द्यूमिनेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर सो दैट द वैल्यू विल नॉट चेंज सो नाउ टू आई इंटू वन प्लस आई

final answer. is it clear how many of you have yes, understood sir. this okay richa kapsi kapse shreya okay muzammil okay fine clear enough right? yes sir okay sure this part is done